जी तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप व्यूवर्स आप लोग खुश होंगे, अपनी जिंदगियों में बिजी होंगे। और व्यूवर्स आज हम बना रहे हैं देसी सी स्टाइल में, बिल्कुल घरेलू से स्टाइल में, बिल्कुल रेसिपी को इतना फॉलो नहीं करना जैसे चाइनीज़ बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल देसी से स्टाइल में। मेरे पास ये पास्ता पड़ा हुआ था और मैंने सोचा कि इसको हम लोग बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाते हैं, ना कि प्रॉपर जैसे जो लोगों को नहीं बनाना आता, ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए। और ये क्विक रेसिपी है, जब आप थके हारे ऑफिस से आएँ तो उसके लिए आप झटपट से रेडी कर लें। तो उसके लिए जो चीज़ें हैं मैं वो आपको बता देती हूँ जो मैंने ली हैं। यहाँ पे मैंने एक पैकेट लिया है ये पास्ते का, उसको मैंने ऑलरेडी पहले से बॉयल करके रखा है। बॉयल करके ये देखें बहुत अच्छा बॉयल हुआ हुआ है, बिल्कुल निखरा हुआ, अलग अलग इसके पीस हैं, ये देखें। तो ये दिया था मैंने, और आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको अच्छा लगता है। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने ऐसे लंबे शेप में काट लिया है। और यहाँ पे एक ही मैंने गाजर ली थी, उसको भी मैंने इस तरह लंबी शेप में काटा है। एक ही शिमला मिर्च ली थी, और यहाँ पे मैंने फ्रेश नहीं लिए, मैंने फ्रोज़न मटर जो थे मैंने वो लिए थे, इसलिए ये ऐसे कुछ वाइट होंगे। तो ये लेकिन इसमें हम लोग ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू जो था वो बॉईल करके क्यूब्स में काट लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने पहले से बॉईल कर ली थी और इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, उस वजह से मेरी आवाज़ बिल्कुल चेंज लग रही होगी वीडियो में। यहाँ पे मैंने 6 या 5 हरी मिर्चें तीखी वाली ली थी, जो कि मैंने इसमें डालनी है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1.5 टीस्पून जो है वो सॉल्ट है। ब्लैक पेपर मैंने लिए हैं, ये ब्लैक पेपर मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ब्लैक पेपर डालें तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिली ली है, तीखी वाली ली है। और यहाँ पे मैंने फ्लेक्स लिए हैं, चिली फ्लेक्स, लेकिन वो सिर्फ मैंने कलर के लिए लिए हैं, थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंस करने के लिए लिए हैं, और कुछ नहीं। और ये है हमारा जी जुगाड़। जुगाड़ ये होगा कि मैंने बनाया था चिकन का कोरमा, और चिकन कोरमे में सब ग्रेवी ख़त्म होने के बाद जो चिकन के पीसीज रह गए थे मैंने कभी भी उनको थ्रो नहीं किया, मैं किसी और वेजिटेबल में डाल देती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये जो चिकन है हम इसमें ही ऐड कर देते हैं, और जो बाकी के जैसे कुछ सॉसेस रहेंगे वो मैं रेसिपी के साथ साथ ही आपको सब एक्सप्लेन कर दूँगी जैसे जैसे हम लोग ऐड करेंगे। तो हम बनाते हैं जी जल्दी से देसी स्टाइल में स्पाइसी वाला पास्ता बनाते हैं। इसमें हम लोग केचप डालेंगे, टमाटर डालेंगे, रेड सॉस डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, और ये सब डाल के और हम लोग ये बनाते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हम ज़रा बना रहे हैं देसी स्टाइल में पास्ता, तो ये देखें मैंने इसके लिए एक रफली सा ऐसे प्याज जो है वो काट के मैंने पहले से रख दिया था, लेकिन अभी ऑयल डाला है। कटिंग मैंने सिर्फ पहले की थी, बाकी कुछ नहीं। बाकी आपके सब सामने बनेगा और आप देखिएगा कि ये कितना क्विक वाला, जल्दी बनने वाला पास्ता बनाते हैं हम लोग, बिल्कुल देसी स्टाइल में, टिपिकल स्टाइल में। जिन लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी एक रॉकेट साइंस है पास्ता बनाना और ये सब चीज़ें, नहीं जी, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने देसी तरीके से भी बना सकते हैं। तो बाकी के इन्ग्रीडियंट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो वो बस प्याज यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गया, लेकिन इसको फ्राई नहीं करना, हमें इसको सौते करना है। बस हल्का सा इसको, जिसको हम लोग कहते हैं नरम हो जाएगा, थोड़ा सा कलर पकड़ लेगा, बस वैसा करना है। मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ, मैं इसमें हॉट सॉस डालूँगी, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है घर में। यहाँ पर मैं सोया सॉस लूँगी, वो भी आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैंने घर में बनाया था, मैं वो यूज़ करूँगी। मोज़रेला चीज़ है, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट पे जब बन जाएगा उसके ऊपर हम लोग डालेंगे ज़रा हल्का सा डेकोरेशन जिसको कहते हैं उसके लिए। तो बस अभी हम लोग ये देखें, हल्के हल्के से जब ये थोड़े हो जाएंगे सॉफ्ट, तो इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसमें हम लोग बाकी के सब स्पाइसेस डाल के इनको भूनेंगे ज़रा अच्छे से। बाकी के सब जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग साथ साथ में शामिल करेंगे। ये देखें, जब यहाँ पे इतना हो जाए तो आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो शामिल करना है, क्योंकि इनका कलर नहीं निकालना आपने, याद रखिएगा, क्योंकि आप हंडिया नहीं बना रहे।
इनका आपको ज़्यादा कलर नहीं निकालना, बस ऐसे ही। बस कलर चेंज करना है आपको, मतलब काला नहीं करना। जैसे हम बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं हंडिया बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं इसमें सबसे पहले जो है वो जो गाजर है मैं वो ऐड करूँगी, तो क्योंकि वो थोड़ी हार्ड है इसलिए बाकी सब्जियों को हम लोग लास्ट पे ऐड करेंगे। ये थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि ये मैंने ली थी जो स्वाद में भी मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं, ये ना तो रेड होती हैं ऑरेंज से कलर की होती हैं और ये थोड़ी हार्ड होती हैं, जल्दी गलती नहीं होगी। तो आप इसको इसके साथ जो है वो आप डाल के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें। आज मैंने थोड़ी थ्रो करी थी, जब ये आपका ऐसे तैयार हो रहा होगा तो आपने क्या करना है, इसमें जो टमाटर के पीसेस थे आपने वो डालने हैं, ये देखें इस तरह रख ली। सिर्फ अब आलूओं की शेप नहीं मैं ले सकी क्यों, वो मैंने ऐसे क्यूब में ही काटे हैं। बहुत कलरफुल वाला ये देसी टाइप का जो पास्ता है वो बनेगा, बहुत मज़े का स्पाइसी और बहुत मज़े का। अभी इसमें ही हम लोग अपनी जो ग्रीन चिली है वो ऐड कर देते हैं। जब आप इतनी सारी ग्रीन चिली तीखी वाली डालेंगे, या आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं, तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर सॉरी ऐड करिएगा, ब्लैक सॉल्ट वो ऑलरेडी ब्लैक पेपर ऐड करिएगा सिर्फ इसमें, और चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून कर लीजिएगा, और अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो इसमें स्पाइस हैं वो रखिएगा। मुझे ज़रा ग्रीन चिली इसमें अच्छी लगती, मैं इसलिए डाल दी हूँ, लेकिन आप इस तरह भी बना के देखिएगा अच्छी बनती है। ये देखें अभी थोड़ी सी आँच हम तेज़ करेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मध्यम आँच पर नहीं बनती हैं, इनको थोड़ा तेज़ आँच से ही पकाया जाता है। इस तरह करके आप इनको हिलाते रहेंगे, थोड़ा कांदे को और मैं तेज से करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें आप देख रहे हैं कि प्याज मैंने ज़्यादा जो है वो नहीं फ्राई किया उसको, क्योंकि फिर उसका टेस्ट जो है वो चला जाएगा, और ये सब चीज़ें बाद में जाएंगी, शिमला मिर्च और मटर और आलू ऑलरेडी बॉयल हैं तो वो अजीब से कम हो जाएंगे, या फिर वो ऑलरेडी सब सॉफ्ट होने वाली जल्दी चीज़ें हैं। बस अच्छी अच्छी कुकिंग करते रहा करें और अपने दिल को खुश रखा करें, मसरूफ़ रखा करें, टेंशन ना दिया करें। जो लोग तो परदेश में हैं उनके लिए स्पेशल मैं यही बोला करूँगी, अपने आप को आप जितना बिजी रख सकते हैं आप उतना रखें, आप जितना सोचेंगे जॉब लाइफ में ये है वो है, बस काम करें, अपना घर पर आ जाएँ, अपने पेरेंट्स से बातें किया करें फ़ोन पर, और आजकल तो वीडियो कॉल में बहुत आसानी पैदा कर दी है हम परदेशियों के लिए। तो अभी जो है मैं इसमें ये जो बाकी के स्पाइसेस थे वो ऐड कर दिए हैं मैंने, ये देख लेंगे। ये ऐड होने के बाद अब इसमें मैं मटर ऐड करूँगी, क्योंकि ये जो वेजिटेबल होती हैं इनको थोड़ा क्रंची रहेंगी ना, तो ये थोड़ा आपको ना टेस्ट आएगा, इनका मज़ा आएगा, ज़्यादा भी नहीं आपको ये करना है। अब मैं मटर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो फ्रोज़न थी, तो वो उनका जो क्रीजीनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, इसको बिल्कुल गुटियाँ बनी हुई थी, इसको इनको बॉयल करके भी डालते हैं, लेकिन अगर आप हंडिया बनाते हुए मतलब ऐसे अगर डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में तो आप इस तरह करें, जब ये मसाला आपका बन रहा हो तो आप इसमें ऐड करें, तो ये इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्रेश वाला ही आता है। किसी अच्छे ब्रांड का आप लेके यूज़ करेंगे तो आपको टेस्ट इसका ज़रा भी टेस्ट में जो है वो डिफरेंस नहीं आता।
योगर्ट में देखिए मटर भी मैंने डाल दिए, फिर मटरों को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है इसके अंदर। ये देखो, और अभी इसमें हम लोग बाकी के जो सॉसेज हैं वो डालते हैं, वो आपको ऐड करना है। वो आप जब इस तरह का आपका मसाला रेडी हो तो आप इसमें स्टेप बाई स्टेप अपनी चीज़ें शामिल कर दीजिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी इसमें पास्ता ऐड करने लगी हूँ, उसके बाद हम लोग चीज़ें ऐड करेंगे सॉस वगैरह, तो पास्ते के अंदर उसके टेस्ट जो है वो अच्छे से चला जाएगा। तो मैं अभी इसके अंदर पास्ता ऐड करूँगी। तो ये देखिए, इसमें मैंने पास्ता ऐड कर दिया है और आप देखिए पास्ता बिल्कुल निखरा हुआ है, बिल्कुल चिपका नहीं है और ये बहुत मज़े का लगेगा। और मुझे लगता है कि मेरा बर्तन जो है वो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन चलो अभी मैनेज करना है, इसलिए मैनेज करते हैं। आपने यहाँ पे अच्छे से जो इसको मसालों के साथ भून देना है, आँच तेज़ रखनी है, कम मत करिएगा, स्लो आँच पे भी नहीं भुनाने का मज़ा आएगा आपको। ये देखो, अब जब ये हो जाएगा आपको सोया सॉस लेना है, वो ऐड करना है। ये मैंने एक चम्मच के लगभग डाला है। हॉट सॉस आपको ऐड करना है, हॉट सॉस कम ऐड करिएगा क्योंकि हम लोगों को जो चिली है, रेड चिली, चिली फ्लेक्स यानी कि वो डाले हैं, ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा डाला है, ग्रीन चिली है, चिकन ऑलरेडी क्योंकि वो कुक था उसमें अपने स्पाइसेस होंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लीज अपने स्पाइसेस जो हैं वो मेंटेन रखिएगा। तो ये देखिए, जब आपने इस तरह इसको कर लेना है उसके बाद आपने इसमें शिमला ऐड करनी है। और ये देखिए, मैंने शिमला बहुत बारीक काटी थी, इसको बहुत मोटा मत काटिएगा। और इसको ऐसे ही हम लोग जब भूनेंगे तभी ये रेडी हो जाएगी। और ये जो श्रेडेड चिकन था वो डालेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी कुक था, इसको कुक करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको ऐसे ही मैंने ये फोक की हेल्प से ना ऐसे इसको छोटा कर लिया था। ये देखें, इसको अब हिला दें, इसको नीचे कर दें इसको अच्छे से। और लास्ट पे बिल्कुल आलू डालिएगा क्योंकि आलू जो है ना वो अलग से ही उनका वो एक होता है, वो फ़ौरन कुक्ड हैं, ऑलरेडी कुक्ड हैं, बॉयल हैं, तो वो चिपक जाएंगे इनके साथ जाके, तो उसको आप लास्ट पे ऐड करिएगा। तो ये देखें जी, ये एकदम देसी से स्टाइल में हमारा जल्दी बनने वाला जो पास्ता है वो बन के रेडी है। लेकिन ये आप ट्राई करिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। मैं यूजुअली इसको ऐसे ही बनाती हूँ, कभी तो चिकन को बॉईल करके तब प्रॉपर बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज इसको बड़ा सिंपल और बड़ा जल्दी वाला बनाया है कि ये जल्दी बन जाए। और ये देखें, अभी आपने क्या करना है कि आपने केचप लेना है और केचप को इसमें ऐड कर देना है। सॉरी, केचप दूर पड़ा था और मेरे से कैमरा। और ये देखिए, आप कोई सा भी केचप लेके इस पे ऐड कर दें अच्छे से। ये तकरीबन मैंने 3 टेबलस्पून इसमें केचप ऐड किया होगा, आप भी 3 टेबलस्पून डाल लीजिएगा। अगर आपको केचप ज़्यादा अच्छा लगता है आप केचप डाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको कुछ लोग बाद में खाना पसंद करते हैं तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको यूँ करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें। ये देखें जी, इसको मिक्स कर देते हैं। मैं बड़ा नज़दीक से इसको दिखा देती हूँ आपको व्यू। ये देखें, पास्ता एकदम अच्छे से कुक हुआ है, चिकन का भी बीच में बहुत अच्छा एक लुक आ रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी कुक था, श्रेड चिकन था, तो वो ये देखें बहुत बहुत ही यम लग रहा है, जूसी टाइप का बना है ये। और ये देखें, अभी आपने क्या करना है, इसमें आलू ऐड करने हैं और उसके बाद हम इसमें एक चीज़ डालेंगे, बस उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। रेडी तो ऑलरेडी है क्योंकि ये बॉयल है ऑलरेडी। ये देखें, अब इसमें आपने आलू डालने हैं लास्ट को, ये मुझे बहुत पसंद है, वैसे कुछ लोग नहीं डालते इसीलिए तो मैंने कहा है कि ये बड़ा देसी टाइप का मैं बना रही हूँ, इसको ज़रा भी चाइनीज़ रेसिपी मत समझ लीजिएगा। सॉस तो बेशक मैंने थोड़े बहुत उनकी कॉपी कर ली है, बट इसमें जो ये वाली जो मैंने हरकतें की हैं ना आलू डालने वाली,
ये बिल्कुल देसी और ज़रा विली स्टाइल वाली हो गई है। तो आपने क्या करना है, इन आलूओं को ऊपर ऐसे अच्छे से डाल देना है इसके ऊपर, ये देखें। लेकिन आलू थोड़े बड़े साइज के डालिएगा क्यूब्स, क्योंकि वो बिल्कुल घुल ना जाए आपके पास्ते में जाकर। अब इसको अच्छे से हलाना है, आलूओं का भी टेस्ट चेंज हो जाएगा। देखिए आलू गायब हो गए हैं। आलू वैसे ना ज़बरदस्ती घुस जाते हैं हर चीज़ में, लेकिन ये कि जो आलू लवर्स हैं ना, पोटैटो लवर्स हैं, उनको पता है इसकी वैल्यू। ये किसी भी खाने में घुस तो जाते हैं, लेकिन इनके बगैर मज़ा भी नहीं आता। आलू गोभी, आलू पालक, बहुत कुछ होता है। मुझे इसमें सॉल्ट थोड़ा कम लगा था, मैंने वो डाला था, और मैं इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल रही हूँ, थोड़ा सा बस। इसी से इसमें थोड़ी जो खटास है वो आएगी, और थोड़ा मज़ा इसका जो है ना वो थोड़ा और आएगा। अच्छा, मुझे इसमें अभी एक और चीज़ की क्वांटिटी जो है वो कम लग रही है, वो हम ऐड करेंगे सोया सॉस इसमें थोड़ा सा और, क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज़्यादा हो गई है वेजिटेबल की, और उसकी वजह से। तो इसमें सोया सॉस भी मैं ऐड करूँगी अभी अगेन। तो मैं इसमें फिर से सोया सॉस ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट लाने के लिए, थोड़ा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। और ये जो चिकन है ना श्रेडेड, ये इतना अच्छा लग रहा है ना इसमें, इसकी वजह से बहुत अच्छी लुक आ रही है। वैसे कि वो चिकन ऐसे बॉयल करो तो इतना अच्छा नहीं होता जितना इसमें ऐसे, इसमें जा के मैं इसकी ज़रा रौनक और दुबाला करती है। और ये देखें मेरे जो लास्ट पे हमने आलू डाले थे ना, वो तो अलग ही क्यूब से लग रहे हैं। तो अभी हम लोग इस पर लास्ट पे चीज़ डाल के हम लोग ढक देंगे, और वो चीज़ क्या है कि वो मोज़रेला चीज़ ही है। हम लोग बस इस पर थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, बहुत मज़े की भून दिया करिए। ये देखें चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐसे डाल दी है। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं, और इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। और आँच मैंने इसकी बिल्कुल धीमी कर दी थी, थोड़ी देर के बाद हम इसको देख लेते हैं। जी तो व्यूवर्स, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने रखा था। तो ये देखें इसको उठा लेते हैं, और ये देखें ये जो चीज़ है ये मेल्ट हो चुकी है, ये देखें बहुत अच्छे से। और ये मैंने सिर्फ अब टेस्ट के लिए डाला था, इसका कोई मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फोक से हेल्प कर देती हूँ मैं आपकी, ये देखिए बहुत अच्छे से, ये मोज़रेला चीज़ है, मैं पिज़्ज़े में भी ये यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने डाली थी, मैं आपको सर्व करके अभी ये पास्ता दिखाती हूँ, बहुत मज़े का बना है। जी तो व्यूवर्स, ये देखें हमारा चीज़ वाला मस्त देसी टाइप का पास्ता बन के रेडी हो गया है, और धुआंधार एकदम स्टीम निकल रही है। चीज़ आप देख रहे हैं उसके ऊपर, मैं जूम करके दिखाती हूँ, पास्ता एकदम दिख रहा है, बहुत मज़े का बना है। और आई होप व्यूवर्स आपको ये मेरी पास्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मैं सिर्फ एक बात फिर से लास्ट पे यही बोलती हूँ हर बार, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ व्यूवर्स।